इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार रेल का निजीकरण करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्रालय दिल्ली से लखनऊ की देश की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी में है। हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में इस बात के संकेत भी दिए गए थे और इस ट्रेन का नाम तेजस है, जो लखनऊ से दिल्ली रूट पर चलेगी। इस बारे में IRCTC ने 10 जुलाई तक इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए भी कहा है। कई रिपोर्ट के मुताबिक तेजस में सफर करने के लिए यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ सकता है। इस ट्रेन में बाकी ट्रेनों की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी सुविधा मिलेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि पहली प्राइवेट ट्रेन होने की वजह से इसका किराया ज्यादा हो सकता है। फिलहाल ट्रेन का कितना किराया हो, मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वहीं रेल यूनियन ने रेलवे के निजीकरण के प्रयासों का भी विरोध करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि रेलवे ने 100 दिन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने शुरुआती तौर पर 2 प्राइवेट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन NFIR ने आरोप लगाया है कि बजट से ये बात उजागर हो गई है कि सरकार रेलवे के कॉरपोरेटीकरण और निजीकरण पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। न्यूज एजेंसी PTI ने खबर दी है कि तेजस देश की पहली निजी ट्रेन होगी। तो दोस्तों, मोदी सरकार के रेल निजीकरण पर आपकी क्या राय है, हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।